हेलो, सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्यूबर्ड ओवरसीज। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो पांच कंट्रीज जिनमें वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा रहता है शेंगन में। यदि आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट हो सकती है, क्योंकि जब भी आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो आपका हमेशा कंसर्न रहता है कि किस कंट्री में अप्लाई करें कि जहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेशियो जो है हमें अच्छा मिले। यदि आपको कोई एक कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आप अदर 25 कंट्रीज़ में भी विजिट कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कंट्री वो चूज़ करें जहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा हो, और उसके बाद अपना टूरिज्म प्लान इस तरह से आप कर सकते हो कि आप अदर कंट्री में भी ट्रैवल कर सको। तो अभी हम आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम बात करें कि कौन सी कंट्री में वीज़ा सक्सेस रेट ठीक है। सबसे पहले आज की डेट में जो आ रही है कंट्री, वो आ रही है स्पेन। स्पेन का वीज़ा सक्सेस रेट आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है। आप स्पेन को चूज़ कर सकते हो। स्पेन का जो सक्सेस रेट है वो बहुत बढ़िया है। और अभी रिसेंटली हमारे भी कुछ वीज़ा स्पेन से भी आए हैं, और स्पेन में जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो ठीक है। स्पेन का जो सक्सेस रेट है कहीं ना कहीं वो डिपेंड कर रहा है टूरिज्म सेक्टर पे। आपको पता है कि 2020 में लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म सेक्टर जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था यूरोप में। ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड में टूरिज्म सेक्टर जो था वो बहुत डाउन चला गया था। तो लॉकडाउन रहा, फ्लाइट्स बंद थी, वीज़ास बंद थे, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। बट जब से ये ओपन हुआ है उसके बाद अभी वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। तो स्पेन ने अभी फुली ओपन किया हुआ है। आप प्लान कर रहे हैं टूरिज्म के लिए तो स्पेन को जरूर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस रेट जो है वो बढ़िया रहता है और वीज़ा भी थोड़ा ईजिली आते हैं। सेकेंड कंट्री जो सबसे बेस्ट है आज की रेट में वो है स्विट्ज़रलैंड। नो डाउट हमेशा स्विट्ज़रलैंड बेस्ट रहा है। तो अभी आप चूज़ करने जाएं, स्पेन को चूज़ करें या स्विट्ज़रलैंड को चूज़ करें, दोनों इक्विवेलेंट हैं। जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगता है आप वहाँ अप्लाई करें तो वीज़ा सक्सेस रेट आपको ऑलमोस्ट दोनों की सेम देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टूरिज़्म पे डिपेंड है। दोनों के ही जो सेक्टर हैं वो टूरिज़्म है। कहीं ना कहीं से इनका जो रेवेन्यू है, टैक्स है, वो टूरिज़्म पे काफ़ी डिपेंड है। एम्प्लॉयमेंट्स इनकी टूरिज़्म पे बहुत डिपेंड है। इनके जो काफ़ी प्लेसेस हैं जो टूरिज़्म के लिए फेमस हैं वर्ल्ड वाइड, लोग घूमने आते हैं, स्पेन में जाते हैं लोग, वहाँ पे बहुत टूरिज़्म के लिए लोग जाते हैं। और साथ साथ में सेम स्विट्ज़रलैंड में भी नेचुरल प्लेसेस हैं, लेक्स हैं जो लोग देखने जाते हैं। तो काफ़ी ये चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से जो आपका प्लान है, जो आपका वीज़ा सक्सेस रेट है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर जाता है। और इन दोनों कंट्रीज़ में वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छी चल रही है। इसके बाद किसी और कंट्री को आप चूज़ करना चाहते हैं तो आज की डेट में आप हंगरी को चूज़ कर सकते हो। हंगरी का भी वीज़ा सक्सेस रेट आज की डेट में बहुत बढ़िया चल रहा है। और बहुत बढ़िया मैं नहीं कह सकता, वो डिपेंड करता है हमेशा आपकी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल आपकी अच्छी है तो वीज़ा आपको मिल जाता है। तो हंगरी में भी ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हो। हंगरी में भी वीज़ा सक्सेस रेट जो है अभी ठीक चल रहा है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है ग्रीस। ग्रीस में अभी वीज़ा रेशियो जो है वो बढ़िया है। अभी आप ग्रीस चूज़ करते हो तो आपको वीज़ा के जो चांस हैं वो बहुत बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि ग्रीस की जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं जो डिपेंड करती है वो टोटली ही टूरिज़्म पे है। अभी वहाँ पे टूरिस्ट के लिए लोग बहुत जाते हैं। तो टूरिज़्म के लिए प्लान है तो आप ग्रीस को चूज़ करें। ग्रीस में भी आपको सक्सेस रेट बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा और वीज़ा के आपके जो चांस हैं वो भी बढ़िया रहेंगे। और इसके बाद जो नीदरलैंड की बात करें, लास्ट में नीदरलैंड आता है जिसका वीज़ा सक्सेस रेट ठीक होता है। नीदरलैंड का वीज़ा सक्सेस रेट ठीक है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट काफ़ी डिले चल रही है। और यदि आप अप्लाई करने जाएं तो नीदरलैंड को भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि 2019 में इन्होंने टूरिज़्म को प्रमोट करना स्टार्ट किया था और उस टाइम पर इनका जो वीज़ा सक्सेस रेट था वो बहुत ऊपर चला गया था और बहुत ईजिली इन्होंने वीज़ा इशू किए थे। पर 2020 में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर से इनका टूरिज़्म सेक्टर था वो काफ़ी डाउन में आया और इनको काफ़ी लॉस सहने पड़े थे। और अभी जब से टूरिज़्म ओपन हुआ है, इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही अपने वीज़ाज ओपन कर दिए थे और हमने भी काफ़ी वीज़ा नीदरलैंड से लिए हैं टूरिज़्म के लिए। तो अभी आप जाना चाहें टूरिज़्म के लिए तो आपको वेट काफ़ी लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट ही जुलाई में जा रही है, तो 1 से 1.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट आ रही है। तो वीज़ा सक्सेस रेट ठीक है लेकिन आपको डिले हो सकता है, और आप नीदरलैंड को भी चूज़ कर सकते हो वीज़ा के लिए। तो इनका वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता है।
और नीदरलैंड एक बेस्ट कंट्री है टूरिज्म के लिए, और जाना चाहें तो बिल्कुल चूज कर सकते हो। तो ये वो पांच कंट्रीज थी जिनका वीज़ा सक्सेस रेट हमेशा अच्छा रहता है। और इसके बाद बात करें कि आपको फाइलिंग कैसे करनी है और अपना ट्रैवल प्लान कैसे करना है, क्योंकि ट्रैवल प्लान ही आपके वीज़ा को, क्योंकि ट्रैवल प्लान ही आपके वीज़ा सक्सेस रेट को जो है वो बढ़िया लेके जाता है। ट्रैवल प्लान अच्छा है तो आपके वीज़ा सक्सेस रेट बढ़िया रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने जाएँ तो आप एक ही कंट्री का ट्रैवल प्लान ना दिखाएं, आप कंबाइन करें अदर कंट्रीज़ को भी। आप कंबाइन करते हुए एक कंट्री को या दो कंट्री को, तो आपके वीज़ा के जो चांस हैं वो बढ़िया हो जाते हैं। आप एक ही कंट्री को कंबाइन करेंगे तो वीज़ा के चांस जो है वो कम हो जाएंगे। और एक कंट्री में एक सिटी को ही ना टारगेट करें। कई बार होता है कि ये भी गलती काफ़ी लोग करते हैं कि वो एक ही सिटी को टारगेट करते हैं और उसमें भी उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल देखने को मिल जाता है। आप कम से कम 2 से 3 सिटी तो ज़रूर चूज़ करें। आपके पूरे इंटायर ट्रिप में 3 सिटी तो हो एटलीस्ट, क्योंकि आप 3 सिटी चूज़ करोगे तो उनको डिवाइड कर सकोगे 2-2, 3-3 दिन करके। आपका प्लान जो है 9-10 डेज जा सकता है, लेकिन आप एक ही सिटी में 10 डेज रह रहे हैं तो वीज़ा जो सक्सेस रेट है वो आपको नहीं मिलेगा। उस केस में वीज़ा अफसर को भी डाउट होता है कि ये घूमने जा रहे हैं, क्या पर्पस है इनका। यदि वो ट्रैवल प्लान आपका सही नहीं है तो उस केस में आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल देखने को मिलेंगे। तो ये गलतियां ना करें अपनी फाइल में। और उसके बाद जब आप फंडिंग करते हैं तो फंडिंग भी एज पर करें, क्योंकि आपका जो प्लान होता है उसमें कितना खर्चा आने वाला, आप कितनी सिटी चूज़ करने वाले, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे रहेगा, आपका कितना एक्सपेंस आने वाला है, एज पर आपके पास फंडिंग जरूर होनी चाहिए। जब फंडिंग आपके पास एज पर होती है देन आपके जो वीज़ा के चांस हैं वो अच्छे रहते हैं। तो ये गलतियां ना करें अपनी फाइलिंग में, अपनी फाइलिंग को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके ही लगाएं, देन आपके जो वीज़ा के जो चांस हैं वो बढ़िया रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है आपकी फाइलिंग में वो रहते हैं आपका कवर लेटर। कवर लेटर मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जान होती है आपकी फाइलिंग में। यदि आपका कवर लेटर अच्छा है तो वीज़ा के चांस आपके अच्छे हो सकते हैं। आपकी फाइल वीक है और आपने एक्सप्लेनेशन दे दी हर एक पॉइंट के बारे में, आपने एक्सप्लेन कर दिया हर एक चीज़ को, आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उसको कर रहे हैं, देन आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, देन आपके वीज़ा के चांस जो है वो बढ़िया रहेंगे। ध्यान रखें कि जब भी आप कवर लेटर लिखते हैं तो हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करें, बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेन ना करें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपका रिफ्यूज़ल करवा सकती है। पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जो मेन पॉइंट्स है वो जरूर आप एक्सप्लेन करें, एज पर ही अपनी प्रोफाइल आप क्रिएट करें। जब आपकी प्रोफाइल इस प्रकार से रेडी होगी, आपकी फाइल अच्छी तरीके से रेडी रहेगी, देन आपके वीज़ा के जो चांस है वो बहुत बढ़िया रहेंगे। तो कभी भी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही वीज़ा अप्लाई करें। और इन 5 कंट्रीज़ में से आप किसी भी कंट्री को चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने प्लान। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और आपने यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।